राजनीति में सियासी बयानबाजी जरूर की जाती है, लेकिन अगर सत्ता पक्षी विपक्षी नेता की तारीफ करे तो बात समझ से बाहर हो जाती है। ऐसी हैरतअंगेज करने वाली तारीफ ओपी धनखड़ ने की, या ये कहें कि ओपी धनखड़ का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए प्रेम जाग गया। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय, नरेंद्र मोदी की जय, आज की ज्वाइनिंग की जय। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो सियासी बयान भी आने लाजमी हैं। लेकिन अगर कोई मंत्री अपनी विपक्षी पार्टी के नेता की तारीफ करे तो संदेह जरूर पैदा होता है। ऐसा ही एक बयान आया है कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का, जिसमें वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ओपी धनखड़ के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पहले आप सुनिए ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कहा। यहाँ पर सुरेती, फतेहपुरी और जो है हसनपुर, ऐसे कई गाँव के युवक जो है कुंजिया, वो बड़ी संख्या में ज्वाइन हुए हैं। सबका मैं जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। उससे पहले भी एक बड़ी संख्या में जो है आज पिथाना में ज्वाइनिंग की है, जिसमें कुंबेड़ी के भी थे, जिसमें जहांगीरपुर के भी थे, जिसमें सिलानी के भी थे, बाद के काफ़ी गांव के यूथों ने आज ज्वाइन की है। यानी कुल मिलाकर सैकड़ों की संख्या में यूथ, अगर दोनों जगह में कहूँ पिथाना और जज्जर रेस्ट हाउस मिलाकर, तो उन्हें ज्वाइनिंग हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, सिद्धांतों में विश्वास कर रहे हैं और मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफों के पुल बांधे थे। दरअसल धनखड़ ने हुड्डा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जल्द प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने की बात कही थी। धनखड़ ने कहा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदेश कांग्रेस के पद के लिए योग्य इंसान है, पार्टी को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। योग्य आदमी है, उनके बारे में भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के, वो तो उनकी पार्टी का नीतिगत फैसला है, लेकिन बहुत दिन से जो कांग्रेस पार्टी की बात उलझी पड़ी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की चीजें तय होंगी, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आंतरिक कलह से या आंतरिक समस्याओं से उभरना चाहिए और ठीक रास्ते पर बढ़ना चाहिए। क्या ओपी धनखड़ का ये बयान विपक्ष पर तंज कसना है, या उन्हें ये आभास कराना है कि राज्य में कांग्रेस मुकाबले के लिए तैयार ही नहीं है? लेकिन इतना जरूर है, ओम प्रकाश धनखड़ ने यह बयान देकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। योगेंद्र सोरी, टोटल न्यूज, झज्जर। तो बीजेपी इलेक्शन मोड में है। तमाम जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी तैयारी के बीच ओपी धनखड़ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जवाहर जी, बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज में। जवाहर जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आपको मिल रही है। जवाहर जी, बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज में। और सवाल यही है कि बड़ी चिंता सता रही है ओपी धनखड़ साहब को, कांग्रेस की भी और पूर्व सीएम हुड्डा की भी, तारीफ भी कर रहे हैं हुड्डा की कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, कांग्रेस को संभलना चाहिए, इस चिंता की वजह क्या है? तो मुझे लगता है कि धनखड़ जी इस चुनाव को भाजपा के पक्ष में और आसान करना चाहते हैं। ये उन्होंने एक राजनीतिक दाव चला है कि हुड्डा साहब अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तो जो हमारा 75+ का जो एक लक्ष्य है वो शायद 85+ चला जाए। तो मुझे लगता है उस रणनीति के तहत हुड्डा साहब, क्या नाम है, धनखड़ साहब ने बयान दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हुड्डा साहब का वो चेहरा है जो इस प्रदेश में अनियमितताओं के चलते, नौकरी में भेदभाव के चलते, विकास में भेदभाव के चलते, किसानों को सेक्शन 4C के नोटिस देके उनकी जमीन पूंजीपतियों के हाथों में देने के कारण के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो हुड्डा साहब है। लेकिन तो जवाहर जी, राजनीतिक समीक्षक तो ये मानते हैं कि अगर बीजेपी को कोई मुकाबले में ला सकता है, कांग्रेस को खड़ा जो कर सकता है, वो एकमात्र नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हो सकते हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक का काम है अपना विश्लेषण करते रहे, परंतु जो मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा चेहरा आता है जिसके ऊपर आप आक्रमण नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से तब कहीं ना कहीं सामने वाले विपक्ष को एक अवसर मिलता है कि वो दौड़ सके। जीतेगा नहीं, जीतेगा अलग इशू होता है, पर वो एक लड़ाई को लड़ सके। परंतु जब हुड्डा साहब का चेहरा आता है तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक रूप से आक्रोश उत्पन्न होता है, उनको वो सब चीजें नजर आती है। किसानों को वो दिन याद आ जाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति 8 साल स्वामीनाथन आयोग के कमेटी का अध्यक्ष बनकर रहा, मुख्यमंत्रियों पर कभी लागू नहीं की। कैसे उनको ध्यान में आता है कि किस तरह से सेक्शन 4C के नोटिस देके गरीब किसानों को जबरदस्ती
पूंजीपतियों के हाथ में जब जमीन चली गई तो वो सेक्शन वापस ले लिए। आपका ये मानना है कि जनता ये सब बातें रखती है जहन में? पूर्व सीएम हुड्डा के लिए सुमन दैया जी जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार पूजा। आपने सुना होगा अभी जवाहर यादव जी हमारे साथ हैं और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि ओपी धनखड़ ने कांग्रेस को नसीहत भी दी है कि आंतरिक कलह को सुलझाएं और पार्टी को खड़ा करें, साथ ही ये भी कहा कि पूर्व सीएम हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। इस पर जवाहर जी तो ये कह रहे हैं कि उनके इस बयान का मतलब ये है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो बीजेपी वैसे ही जीत जाएगी। देखिए इस मामले में मैं ये कहूंगी कि ये एक राजनीतिक समझ का मामला और जो मुद्दा ये लिया गया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुड्डा साहब की जो लोकप्रियता है और हरियाणा में जो उनका वर्चस्व है वो वाकई में ही हर व्यक्ति का बच्चा बच्चा जानता है। तो मैं इस चीज को कह सकती हूँ कि बीजेपी के भी सभी नेता इस चीज को जानते हैं कि अगर हुड्डा साहब अध्यक्ष बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और जो नारा जिस तरीके से बीजेपी दे रही है 70 पार 75 पार तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किलें जो है वो बीजेपी के लिए आ सकती हैं। तो ये सच्चाई है, सच्चाई बीजेपी के मुंह से निकली है जो इन्होंने एक्सेप्ट की। जवाहर जी एक सच्चाई तो ये भी है क्योंकि आदमी जब कोई रिएक्शन देता है या बयान देता है तो उसका जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ कह जाती है। जवाहर जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल मिल रही है। ओपी धनखड़ जी ने जब ये रिएक्शन दिया, जब ये बात रखी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सामने, तो उनके रिएक्शन से ही लग रहा था कि वो ससम्मान ये बात कह रहे हैं कि हुड्डा में वो काबिलियत है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और तभी कांग्रेस सचेत हो सकती है। नहीं, हुड्डा साहब की काबिलियत को मैंने कहां नकारा। हुड्डा साहब भजनलाल जी के नाम पर सरकार आई 2005 में, 67 सीट आई। उसके बाद जब ये सरकार लड़ी तो 40 सीटें आई हुड्डा साहब के नेतृत्व में। फिर दोबारा सरकार लगी तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में 15 सीटें आई। लेकिन 10 साल शासन में तो किया हुड्डा सरकार ने, 10 साल शासन में भी तो रहे साहब की। मैं अपनी बात कह लेता हूँ, हुड्डा साहब की काबिलियत तो यही है ना कि जिस चीज पे बैठ जाते हैं जब तक उसको खत्म ना कर ले तब तक चैन नहीं लेते। तो हुड्डा साहब फिर भी दो बार टर्म तो दिया, जनता ने पसंद किया। जवाहर जी अगर आपके नेता सम्मान कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अरे मैं भी तो सम्मान कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कोई आपने ऐसा शब्द थोड़ी निकला जो असंवैधानिक हो। मैं हुड्डा साहब का निश्चित रूप से सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं राहुल गांधी जी और हुड्डा जी में दोनों में एक समान विशेषता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे बैठते हैं जब तक उसको बिल्कुल समाप्त नहीं कर लेते तब तक अपने मिशन पे लगे रहते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं। शुक्रिया आपका जवाहर यादव जी जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सुमन जी आपका भी जुड़ने